मुंबई के नाला सोपारा स्टेशन पर अधेड़ उम्र की महिला ट्रेन पकड़ रही थी कि ट्रेन चलती और उस महिला का ट्रेन हाथ से फिसल गया और वो चलती ट्रेन के नीचे घसीटती हुई आगे तक चली गई। उसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी गोपाल कृष्ण राय ने देखा और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ट्रेन के नीचे जाते जाते बचा लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आरपीएफ ऑफिसर बाल कृष्ण राय का क्या कहना है। बात है 7 पर मैं मेरे ऑफिस के कुछ काम से नाला से पर आया था, प्लेटफॉर्म पर 2 थे, हम लोग खड़े रहकर मैं स्टाफ को बता रहा था कुछ चीज़ें, तब तक वो लेडी लास्ट मोमेंट में गाड़ी चढ़ने का ट्राई किया, उसके बाद एक और एक लेडी थी जो उसकी बेटी बताई जा रही है, बेटी तो चढ़ गई लेकिन माँ नहीं चढ़ पाई, माँ चढ़ने के टाइम पे क्या हुआ, उसने लास्ट मोमेंट गाड़ी छूट गई, चलना स्टार्ट कर दी तब उसने पकड़ने के टाइम पे उसका खंभा पकड़ पाई और नीचे घसीटने लगी गाड़ी, उसने स्पीड पकड़ ली, किसी ने आवाज़ मारा अरे अरे करके पैसेंजर लोग, मेरा ध्यान गया तो फिर मैं तुरंत भागा उसके पीछे, 25-30 फुट तक मैं चेस किया, फिर मैं पकड़ में आई तो उसका हाथ पकड़ा और उसको आधी ट्रेन में अंदर मतलब ट्रेन के और ट्राई मतलब लोकल के बीच में घुसे थी, उसके बाद आधा पीछा बाहर तो फिर बाहर आई उसको पूछा कि चोट वोट लगी है तो कोई नहीं लगी, उसके बेटे का नंबर लिया, उसको फोन किया, उसको बताया कि वो सेफ है, आ जाओ यहाँ पे लेकिन तो पहले उनको बिठा दो प्लीज लोकल में और वो सेफ पहुंच जाएगा, उनको लोकल लेडीज लोकल में बिठा दिया और चले गए। सर वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जा रहे थे? बोरीवली के रहने वाले थे, विरार में कुछ काम था उनका, नाला सफारा में कुछ काम था उनका, इसलिए वो आए थे, बोरीवली के लिए निकल गए। क्या हो लेडी अभी एकदम सेफ है? हाँ लेडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चोट नहीं आई है, थोड़ी बहुत खर्चा होगा लेकिन सेफ, मतलब उनको उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही लग रही। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से महिला ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और वो ट्रेन पर चढ़ने में नाकामयाब रही। SPN 9 न्यूज के लिए नाला सोपारा से राधेश्याम सिंह की रिपोर्ट।